हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने 8th क्लास का मैथ शुरू किया था जिसमें हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं आपका, जो कि एक्सपोनेंट के ऊपर था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 की तरफ, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 3, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो चैप्टर का टाइटल है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो आप सबसे पहले ये समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। इसको मैं बता भी चुका हूँ आपको पहले एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में। ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इट्सेल्फ। यानी कि आपके पास मान लीजिए कोई नंबर है 4, और स्क्वायर का मीनिंग होता है ये पावर 2। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि 4 × 4, आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स। ठीक है ना, तो और इसकी इक्वल क्या आएगा आपका 16 आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि देखिए, स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि उसी नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है। यही बात आपको लिखी है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इट्सेल्फ, यानी अपने आप में वो इंटू कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं आप, वी से दैट स्क्वायर ऑफ 4 इज क्या होगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर का मतलब 4 × 4 = 16। इसी टाइप से मान लीजिए लाइन ले लिया आपने, तो इसको आप लिख सकते हैं 9 × 9, और 9 × 9 कितना होता है 81। तो 9 इज कितना हो जाएगा 81, द स्क्वायर ऑफ 9 इज क्या हो जाएगा 81। ठीक है, तो ये स्क्वायर होता है आपका। इसके बाद एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, इसको एक पॉइंट है जो मैं लिखवा देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया 196। ठीक है, तो पहले आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर आप जब करेंगे 196 के, तो आप देखेंगे 2 से जाएगा 98, फिर 2 से जाएगा 49, फिर 7 से जाएगा 7, फिर 7 से जाएगा, ये आपके हो गए प्राइम फैक्टर। तो यानी 196 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 7 × 7। ठीक है, और आपको बता दूं, एक्चुअली 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 14 का स्क्वायर होता है। तो आप 196 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 = 7 × 7। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं वो कैसे हैं, पेयर में आ रहे हैं। ठीक है ना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर अगर है वो, उसमें जो भी फैक्टर्स होंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, वो सारे कैसे होंगे, पेयर में होंगे। अगर वो पेयर में नहीं है तो उसका मीनिंग ये है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए अब सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3A है आपकी, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको परफेक्ट स्कोर फाइंड करना है। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और भी मेथड। चलिए तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज है आपकी 3A। ठीक है, इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर।
तो आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का जो है यूज़ करना है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन इसमें से बता देता हूँ आपको, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 11025, आपको बताना ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं, और किसका यूज़ करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे, तो आपको पता है इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 से 5 से करते हैं, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 2 जै 10, वो सॉरी हाँ ठीक है, 5 2 जै 10, फिर 5 2 जै 10 और 5 5 जै 25, ठीक है, ये आ गया आपका। इसके बाद आप करेंगे, फिर 5 से जाएगा ये, तो 5 4 जै 20, 5 5 जै 25, फिर 5 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गए आपके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, आए आपके प्राइम फैक्टर 5 × 5 × 5 × 3 × 3। तो आप इसमें ये देखिए कि अगर पेयर बनना है जितने भी नंबर आ रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। तो आप ये देखेंगे इस 5 का पेयर बन गया, इस 3 का पेयर बन गया, लेकिन ये 5 का पेयर नहीं बना, इसका मीनिंग ये है कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपका, जैसे है 8, इसमें आपको दिया है 1089, ठीक है। इसका सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर करिए 1089, तो ये किससे कैंसिल होगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 3 जै 9, 3 6 जै 18, 3 3 जै 9, फिर 3 से चला जाएगा 1 2 1। अब ये देखिए 1 2 1 आपका 11 से कैंसिल होता है, और 11 टाइम्स, और 11 से फिर जो आएगा 1 टाइम्स, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसके क्या प्राइम फैक्टर आए, 3 × 3 × 11 × 11। तो आप देखेंगे 3 का भी पेयर बनना है, 11 का भी पेयर बनना है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये, किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3² × 11², ठीक है। और आप इसको लिख सकते हैं, जब मैंने आपको एक एक्सपोनेंट पढ़ाया था उसमें प्रॉपर्टी बताई थी कि a^n (b^n) अगर लिखा है तो आप उसको लिख सकते हो a × b^n, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी से देखिए यहाँ पे पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 × 11² और इसको भी इंटू कर दीजिए 11 3 जै 33, तो 33² यानी कि ये जो स्क्वायर था आपका एक्चुअली वो किसका स्क्वायर था, 33 का स्क्वायर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या एक और बता देता हूँ मैं इसमें आपको, जैसे कि आप ये ले लीजिए, इसमें दिया है 5 7 6, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 5 7 6 के आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको ये 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 2 जै 4, 1 आएगा, 2 8 जै 16, 2 8 जै 16, फिर 2 से जाएगा 2 1 जै 2, 2 4 4, फिर 2 से जाएगा 7 2, फिर 2 से जाएगा 3 6, फिर 2 से जाएगा 18, फिर 2 से जाएगा 9, अब 3 से जाएगा 3, और फिर 3 से जाएगा 1, ठीक है। तो क्या फैक्टर आए इसके, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, और इसका भी पेयर बन गया, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2² × 2² × 2² × 3² भाई, ये वाला 2 × 2 2², ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, और ये है ये आपका। और इसको आप क्या लिख सकते हो पूरे को, 2 × 2 × 2 × 3² ठीक है। ज़रूरी नहीं है दो नंबर पे अप्लाई हो, 2 से ज़्यादा भी नंबर पे हो तो भी अप्लाई हो सकता है। इन सब का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 2 2 जै 4 2 जै 8 3 जै 24, यानी ये जो नंबर था आपका एक्चुअली क्या था, 24 का स्क्वायर था, ठीक है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है।
पहला क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 3A का, इसलिए मैंने आपको इसमें तीन बता दिए। आगे मैं आपको सिर्फ एक एक क्वेश्चन बताऊंगा सब में से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।